हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। टाइम हो चुका है 9:40। अभी घर के काम किए, सुबह घर के काम फिनिश करके अभी नहाने जा रहा हूँ मैं। श्रुति ने नहा लिया सही भाई साहब, ये नहा धो के हो गए फ्रेश, तो अभी खाना भी बन चुका है। मैं नहा के आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर देखते हैं इसके बाद क्या सीन्स रहते हैं। और ये देखो टाइम हो चुका है 9:40, 10 बजने वाले हैं, तो चलते नहा लेते हैं दोस्तों। हाँ भाई, क्या क्या बन रहा है सुबह खाने में? देखो क्या है, दही का रहता भी है, दही बगैर बिना रहते भी है। अच्छा, साग बनाया बाथू का आलू डाल के। भाई साहब आज बना घर पे बाथू का साग, मेरी फेवरेट चीज है। यहाँ पे रोटी बढ़िया बन चुकी है, मैं उठ कर ही नहीं आई, रसोई में मतलब गोभी बनी होगी पक्का। तो दोस्तों 2 बजे का टाइम है दिन का, और काफी ज्यादा गर्मी है दिन में भाई साहब, बाहर धूप ही धूप। अभी छोटू भाई आए थे, बोल रहे हैं मेरे साथ बैंक में चल, कुछ पता नहीं उनके पैसे वैसे कट गए हैं, तो शायद वो एंट्री भी करना चाहते हैं, तो बैंक जा रहे हैं अभी हम, तो देखते हैं कैसे पैसे कटे हैं, क्या हुआ है। ये नहीं पता 749 की होया के नहीं है, आए गए कुछ गए अगे तो अभी हम जा रहे हैं भाई साहब बैंक। छोटू भाई क्या सीन हो गया बैंक जाने का, क्या प्रॉब्लम आ गई? भाई पैसे कट गए, इधर कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया, ऐसे ही मैं पैसे कितने पैसे कट गए, कम हो गया मेरा कोई 3-4 हजार कट गया। तो भाई साहब 4,000 रुपया कट गया, पता नहीं चला। छोटू भाई अभी जा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं कहाँ खर्च दिए, कोई मैसेज नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं है ना, और अभी हम जा रहे हैं। खाने में मिल रहा है भाई साहब, खाने में आज है राजमा और चावल जम्मू वाले, और दही डाला है मैंने थोड़ा सा, तो खा लेते हैं गाइस, भूख लगी है बहुत ज्यादा, अभी टाइम हो रहा है। तो जय श्री राम सभी को, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है अभी 10:15 हो रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, नहा धोके बिल्कुल हम लोग फ्रेश हो गए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बोल लो या खाना बोल लो, कुछ भी बोल लो आप लोग, है ना, एक नॉर्मली हम गाँव वालों के लिए तो ये ब्रेकफास्ट ही है। तो आज ब्रेकफास्ट में हमारे घर पे जो है बनी है लौकी और चने दाल की सब्जी और पनीर की भुजी और दही है, साथ में अचार है और रोटी है। तो गाइस खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है कि आज हम लोग बाहर जाएं कहीं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो अभी खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है हम लोगों को, खा के तो ऐसे अभी थोड़ी रेस्ट ही करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कहीं जाने की। गाइस शाम का टाइम है, यहाँ बन गए हैं पकौड़े और ब्रेड पकौड़ा और चाय साथ में। अभी जो है ना हम लोग निकल गए हैं घर से, शाम का टाइम है, शाम भी नहीं हो रही और ज्यादा मतलब दोपहर भी नहीं हो रही, 4 बजे का टाइम है, हम लोग घर से निकल गए हैं, सारा सामान हम लोगों ने पैक कर लिया है अपना, और बिस्तर विस्तर भी सब कुछ हम लोगों ने ले लिया है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आज हम लोग कहाँ जाते हैं, हमारा कहाँ नाइट स्टे होता है, देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी शाम होने वाली है ना, 4 बज रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे ट्रैवल कर सकते हैं अगर हमने करा तो, तो हम लोग जो है ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे, बाकी मॉर्निंग में तो हम लोग काफी दूर चले जाएंगे, तो अभी तो देखते हैं कहीं आसपास ही कैंपिंग करेंगे, उसके बाद सुबह हम कोई नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे। क्यों? बिल्कुल, अभी फिलहाल तो डालेंगे हम गाड़ी में तेल, वैसे हमने अभी गैस सिलेंडर है ना जो हमारा, उसका बर्नर टूट गया था, वो चेंज किया है, एंड अभी तेल डालेंगे गाड़ी में, फिर देखते हैं नियर बाई कहीं कैंप करेंगे आज, क्योंकि अभी टाइम तो शाम का हो ही गया और वीडियो भी हमारी हो ही चुकी है, और कल हम जाएंगे अच्छी सी जगह, कल से हमारा ट्रैवल अच्छा शुरू हो जाएगा फिर से, तो चलते हैं गाइस आगे, कुछ नज़ारा ऐसा है।
शाम का टाइम हो चुका है और हम आ चुके हैं, गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी और इस पानी में नहाने, ये एकदम हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे नहाएंगे और थोड़ा सा चिल करेंगे गाइस। शाम का टाइम है, धूप कड़क रही है, आप देख सकते हो छोटू भाई भी हमारे यहाँ यहीं पे है छोटू भाई, और ये बाइक कर लेके आ गए भाई, सुपर बाइक उठाना जरा, माना स्टैंड भाई, ओए यार ये तो आगे से उठा रहा भाई साहब, हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सुबह सुबह भाई साहब नहा के फ्रेश हो चुके हैं, 7:30 बजे का टाइम है और आप देख सकते हो कितनी मस्त लोकेशन पे हम थे कल, एंड अभी फ्रेश हुए हैं इस नीले पानी में, अभी जा रहे हैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाएंगे एंड उसके बाद निकलेंगे पहाड़ों की ओर, हिमालयस की ओर, तो जुड़े रहना लास्ट तक वीडियो में गाइस। गाइज यहाँ पे बन रहा है सुबह सुबह हमारा पोहा और यहाँ पीनट हो रहे हैं रोस्ट, पोहा यहाँ रखा है हमने और सारा सामान यहाँ पे और ये बैठे हुए हैं एक रूम में बढ़िया, यहीं पे खड़े हैं ब्रेकफास्ट, चाचा का किचन है हाँ, तो यहाँ पे इस प्यारी सी लोकेशन पे थे रात को हम, गाड़ी भी हमारी धुल के एकदम रेडी है, ये हमारे चाचा जी, चाचा जी कैसे हो, बढ़िया हो सुबह सुबह हमारा पोहा बन के रेडी हो चुका है और श्रुति ने बनाया, श्रुति जबरदस्त कैसा लग रहा है, छोटू भाई कैसे हो, बढ़िया, खाया पोहा आपने पहले, बहुत बार खाया है, अभी ये वाला खिलाते हैं, हाँ भाई साहब निकल चुके हैं हम अपनी यात्रा की ओर, हम जा रहे हैं दरअसल उधमपुर की एक प्यारी सी वैली को एक्सप्लोर करने जिसका नाम है पंचैरी वैली, एंड अभी पहुंचे हम हीरानगर अपनी तहसील में और हाईवे पे देखो जी गाड़ियां धड़ाधड़ चल रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब, वीडियो बना रहे हैं लोग बंदे देख रहे हैं, देखो उधमपुर से सीधा कटरा जा रही है और देखो कितना प्यारा ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, बादल भी हल्की हल्की, बहुत लाइट धूप है, आ रही है धूप जा रही है, क्लाउडी हो रहा है कभी धूप आ रही है, ऐसा मौसम हो रहा है इस टाइम पे, बहुत प्यारा मतलब मौसम हो रहा है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे जो है ना एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक जो है पलट चुका है, क्या हो गया होगा इसको, आते टाइम कुछ हुआ होगा ना, मोड़ पे है, मोड़ पे आगे होगा पलटा, लग जाएगा तो गाइज शाम का टाइम है, मैं पहुंच चुका हूं उधमपुर एंड यहां पे मेरा दोस्त है जो पंचैरी वैली का रहने वाला है कुलदीप भाई, जब मैं अमरनाथ गया था तो भाई को मिलके गया था, भाई ने बोला मेरे घर आना, मैं पहले भी भाई के घर जा चुका हूं, बहुत प्यारी लोकेशन पे भाई का घर है पंचैरी वैली, एंड अभी भाई जी गए हैं अपने जहाँ पे ये काम कर रहे हैं ना, फर्नीचरिंग का काम करते हैं लकड़ी का,
एंड भाई जी अभी आ रहे हैं तो हम वेट कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सुबह से जो वीडियो आएगी ना, कसम से मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। अभी यहाँ से हम काफ़ी हाइट पे जा रहे हैं, अभी तो हम ये रेलवे स्टेशन है उधमपुर का, और भाई ये जो एक मकान का काम लिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका जितना ही ऑल ओवर लकड़ी का काम है ना, फर्निशिंग का अंदर का, वो भाई कर रहा है, कुलदीप भाई। तो अभी हम शायद उसके इलाके में जाएंगे, तो कल से बहुत प्यारी वीडियो आएगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना ना। फिलहाल तो हम वेट कर रहे हैं भाई, बस आने वाले हैं।